और हमारा अब चिकन करी पैक हो रही है, दिखाना भैया पीस दिखाना, कर दो पैक कर दो भाई, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। वाह वाह, ओ भाई फुल लेग। और ये रहा हमारा शो स्टॉपर आज का, साग मटन, ये रहा साग। चलो जी, तो लीजिए दोस्तों, एक बार फिर से हम लेकर आए हैं आपके पास एक ऐसा कंपैरिजन वीडियो, ब्लाइंड टेस्टिंग करेंगे जैसे कि हमने पहले भी करे है। क्या लेकर आया आप पहले एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि बैकग्राउंड सबको पता चल गया होगा कि मैं कनॉट प्लेस में खड़ा हूं और आउटर सर्कल में हम इस टाइम, और सिर्फ दो ही ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे साग मीट और चिकन करी काफ़ी फेमस है। कौन सा रेस्टोरेंट है? भापे द होटल एंड काके द होटल, ये दो ऐसे लेजेंडरी रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे सीपी में, जहाँ पर हर एक बंदा कभी ना कभी तो खा चुका है, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज हो, लेकिन ये दोनों बेस्ट जो फूड सर्व करते हैं वो है नॉन वेज। तो चलिए देखते हैं इन दोनों में सबसे बेस्ट चिकन करी कहाँ मिलती है और साग मीट कहाँ मिलता है, लेट्स फाइंड आउट। तो ये देखो जी, हम भापे दे होटल पे खड़े हैं और हमारा अब चिकन करी पैक हो रही है, दिखाना भैया पीस दिखाना, कर दो पैक कर दो भाई, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। वाह वाह, ओ भाई फुल लेग, लुक एट द फुल लेग, कर दो पैक कर दो ना। वाह भाई वाह, आज तो मज़ा आ जाएगा, लंच बढ़िया है आज तो भाई। और अब होगा हमारा मटन साग मटन, है ना, मटन साग पैक होगा। और ये रहा हमारा शो स्टॉपर आज का, साग मटन। कितने पीस आते हैं एक प्लेट में? तीन ना, हाँ परफेक्ट। और ये रहा साग। चलो जी, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, पैक करवाते हैं फूड और सीधा चलते हैं घर पे और टेस्ट करके दिखाएंगे आपको कि किसका सबसे ज़्यादा बेटर है। तो लीजिए, बिल हमारे हाथ में है, किसका सबसे ज़्यादा है आप गैस कर सकते हो, अभी नीचे कमेंट करो, क्योंकि हमने दोनों सेम आइटम लिए है, फूड हमारा पैक्ड है। अब हम जा रहे हैं सीधा घर पे फूड टेस्टिंग करने और आपको दिखाएंगे कि किसका सबसे बेस्ट है। जब भी आप सीपी में आओ तो इन दोनों में से किसका बेस्ट करना चाहिए और किसको इग्नोर करना चाहिए। एक बार मैं आपको बोलूँगा, फूड शॉट्स जो हमने आपको दिखाए वो सिर्फ भापे दे होटल के थे, काके दे होटल ने हमारे को परमिशन नहीं दिया कैमरा दिखाने के लिए। सो चलते हैं घर पे, टेस्टिंग करके दिखाते हैं और पोल खोलते हैं कि किसका बेकार और किसका बढ़िया। चलिए, तो लीजिए दोस्तों, अब टेस्टिंग की बारी है। टेस्टिंग से पहले अनबॉक्सिंग तो करनी ज़रूरी है। तो ये देखो, ये जो बैग है, इतना बढ़िया क्वालिटी का बैग है, तो कहीं भी मिल जाता वैसे तो। ये हमने लिया है काके दे होटल से। ये रही सैलड, चटनी और प्याज मिक्स करके दिया हुआ है। एंड ये इसके अंदर, एक के अंदर चिकन करी है एंड एक के अंदर है साग वाला मटन। लीजिए, और ये रहा बिल। बिल मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में किसका ज़्यादा है। और ये देखो, इनका बैग काफ़ी नॉर्मल सा है, थैली है, सिंपल थैली है, और ये सलाद है। एक इसके अंदर भी इन्होंने यही वाली प्लास्टिक यूज़ की है, और एक में साग मीट है और एक में चिकन करी है। ठीक है, ये जो सा है मुझे ये ज़्यादा बेटर लगा, और टच करके देखूं तो ये ज़्यादा गर्म है। क्यों? क्योंकि ये एक फॉइल पेपर वाली रैपिंग है, फॉइल पेपर वाला पैक है, ये काफ़ी अच्छे से नीट एंड क्लीन तरीके से पैक किया हुआ है। और ये हम इसको अनहाइजीनिक भी बोल सकते हैं, जो कि लोग कहते हैं कि प्लास्टिक में क्यों इतना वो कर रहे हो, क्योंकि हीट भी हो रहा है एक्चुअली। तो लेट्स सी, मनमीत जाएगा किचन में नीचे, आज हम टेरिस पे बैठ के आराम से कर रहे हैं, तो मनमीत नीचे जाएगा और दोनों को डाल के लेकर आएगा, बट हमें नहीं पता होगा कि कौन सा किसका है, लास्ट में बताएंगे कि किसका सबसे बढ़िया है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ऐसा करते हैं, सेम बॉल में ना एक में काके का डाल देते हैं, एक में भापे का डाल देते हैं। तो आई थिंक ये भापे का है और ये काके का, अच्छे पैकिंग वाला काके का है। बाकी टेस्ट देखते हैं कैसा होगा। वो दोनों बेचारे ऊपर वेट कर रहे हैं। ये हो गया आपका चिकन,
योया मीट ये वाह यार देखने में मज़ा आ रहा है इसको तो मैं खाता नहीं हूँ बट चलो दूसरा करते हैं। अब ये आ गया काके का यार इसकी पैकिंग बहुत बढ़िया ये तो है रबड़ में खुली नहीं बिल्कुल तो मुझे काटना ही पड़ा ये आ गया इसका साग मीट इसकी कोई दोनों का हाँ इसकी ज़्यादा अच्छी आ रही है चलो देखते हैं चलो पूरा अनपैक करके फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो ठीक है तो अब ये आ गया काके का साग मीट चिकन करी और ये वाइट बॉल में है भापे का चलो अब लेके जाते हैं करते हैं टेस्टिंग तो चलिए दोस्तों देखो खाना आ चुका है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ क्या क्लोजअप से मुझे नहीं पता कि कौन सा कहाँ से आया है सिर्फ मनमीत को पता है ये है चिकन करी इसमें ऑयल ज़्यादा लग रहा है ना इसमें ऑयल ज़्यादा लग रहा है अभी किसका है ये लास्ट में मनमीत बताएगा आपको एंड दिस वन इसकी ग्रेवी तो ऑडियंस को भी पता ही है हाँ ऑडियंस को पता है और क्या मुझे कमेंट करके बताओ फिर कौन सा किसका है ये देखो इसकी इसकी ग्रेवी थोड़ी अलग है ना डार्क रंग की है इसकी लाइट रंग की है जो दिस वन इज वाइट बाउल है ना उसमें एक रेस्टोरेंट का जो ट्रांसपेरेंट है उसमें एक का मतलब ये एक रेस्टोरेंट का ये एक रेस्टोरेंट का ये है साग मीट अच्छा दोस्तों मैं मीट अभी थोड़े दिन नहीं खा रहा हूँ तो मीट सिर्फ हरुण ही टेस्ट करेगा और ये है साग मीट दूसरे रेस्टोरेंट का क्या बात है देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है सो लेट्स गो स्टार्ट करें ये लच्छा पराठा हमने कहीं और से लिया किसी रेस्टोरेंट से हमने मंगवा लिया था तो वो नॉर्मली खाएंगे बटर नान भी है तो लेट्स ट्राई दिस पहले पूरा पीस डाल लेता हूँ मैं तो उसके अंदर ना फिर प्लेट चेंज कर लेंगे ठीक है मटर साग तो नहीं खाना है तो ये देखो ये डाल दिया मैंने और अब इसकी होगी टेस्टिंग देखने में बहुत अच्छा लग रहा है ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा है इसमें ऑयल कम है पीस बल्कि पीस अगर मैं बोलूँ तो पीस ये ज़्यादा बेटर लगा मेरे को देखने में फुल लेग दी है सो लेट्स गो क्या सर ओके ओके ये भी अब बेटर कौन सा दूसरा जब खाएंगे पता चलेगा लुक एट दिस पीस ये पीस बहुत अच्छा है जैसे मैं बता रहा हूँ फुल लेग का पीस है लेग और थाई है क्या लगता है आगे मेरे हिसाब से ना मतलब ये इसे मैं एवरेज बोलूँगा टेस्ट के अकॉर्डिंग अब उसे खा कर पता चलेगा कि सीरियसली ये एवरेज है या बिलो एवरेज है तो अब मैं ज़रा पहले नान के खा लूँ प्लेट चेंज कर लेते हैं मैं नान चाहिए एक्चुअली मेरे को मैं देख रहा हूँ नान कहाँ है गिरा उस पर रख लेता हूँ देखो मैं रख दूँ नान ग्रेवी डाल ले अब ट्राई करते हैं ये चिकन मुझे ये देखने में बहुत बेटर लग रहा है पता नहीं तुझे क्यों अच्छा नहीं लगा अच्छा मैं ऐसा कहूँगा कि दूसरा टेस्ट करता पता चलेगा तेरे को एवरेज था बस बाकी ये देख के तो अब प्लेट चेंज कर ली है अब लेट्स ट्राई दिस हाँ
कुछ डिफरेंस बता सकते हो? ये थोड़ा सा स्पाइसी, थोड़ा सा मीठा है, थोड़ा मीठा है ये वाला, मीठा है। बट अगर मैं सीरियसली बोलूँ वो ज़्यादा बेटर है, ये ज़्यादा बेटर, चिकन करी वो ज़्यादा बेटर है। अब वो किसका है वो बाद में पता चलेगा। वो वाइट बाउल वाला ना, ये बेटर लगा मुझे। ये मैंने खा रहा, ये मेरा लास्ट बाइट है। इस पर लहसुन का वो आ रहा है दादा, और मीठा बहुत है। तो ये तो ज़ीरो, ये तो कभी ना जाऊँ इधर, इधर मैं चिकन करी खाने कभी नहीं जाऊँ। मतलब आप ये वाली चिकन करी नहीं खाओगे, ट्रांसपेरेंट बॉल है ये खाऊँगा। हम दोनों ये वाली रिकमेंड करेंगे, ठीक है? बहुत अच्छा, ये मीट ट्राई करो, मीट मैं ट्राई करूँगा तुम्हें। देखो इसमें ज़्यादा ऑयल भी नहीं नज़र आ रहा मेरे को, मेरा हो गया डन। तब ये बताएगा क्या मटन का, मैं ये भी डाल देता हूँ तेरे को थोड़ा थोड़ा सा, ये भी डाल, तुझे पता चल जाएगा दोनों का टेस्ट। हाँ ठीक है, इसमें ऑयल ज़्यादा है, ऑयल इसमें ज़्यादा है। तो ये जो भी रेस्टोरेंट है ना भाई, प्लीज़ अपना ऑयल कम करो, बहुत ज़्यादा ऑयल डाला है। अमूल बटर होता तो हम बर्दाश्त भी कर लेते हैं ना। कौन सा बटर लगा देखो, अभी ये वाला ट्राई कर रहा हूँ, वो तो कर लिया मैंने। ये हारून की ऐसे मटन ना मैं खा रहा हूँ ना मनमीत खाएगा, छः पीस मटन के तेरे। आप बता भाई साग मीट किसका बढ़िया है? साग मीट में अभी इस वाले रेस्टोरेंट का टेस्ट बढ़िया लगा हमारा, वाइट वाले का, यानी चिकन में भी ये सही है और मटन में भी ये सही है। भैया तो तुझे क्या मतलब क्या डिफरेंस है ना इसमें? थोड़ा इसमें भी वही मीठापन है, हल्का सा मीठापन है इसमें। हाँ, और इसमें स्पाइसी और मतलब स्पाइसेस एकदम ठीक है, मेंटेन्ड है, कंट्रोल्ड है, बस ऑयल ज़्यादा है थोड़ा। तो भैया मतलब कि देखा जाए तो ये वाइट बॉल वाला जीत चुका है। अब ये जोन सा भी है, गेस के वाइट वाला किसको होगा? देखो मैं ऑयल के हिसाब से मैं कुछ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने जितना ऑयल देखा था मुझे लगता है कि दिस वन इज भापे करा हुआ है, एंड ये वाला जो है ये काके का होगा। हाँ, राइट वाला भापे का, तो ये वाला भापे का, मतलब भापा जीत गया, भापे का होटल जीत गया और काके का होटल फेल है। तो अब बात करी जाए अगर प्राइस की, तो आप मे भी थोड़े से हैरान हो जाओ, एक ही लेन में दो या तीन दुकानें छोड़ के दोनों रेस्टोरेंट एक साथ है, लेकिन भापे का जो होटल का जो बिल था वो है 588 रुपीज़ इंक्लूडिंग टैक्स, जिसके अंदर एक चिकन करी लिया था और एक साग मीट लिया था, एंड इंक्लूडिंग टैक्स काके का होटल 483 रुपीज़। दैट मीन्स कि 105 रुपये भापे का होटल महंगा है। मैं प्रेफर भापे का ही करूँगा, क्यों? क्योंकि टेस्ट की बात आ रही है, क्योंकि टेस्ट की बात। अगर आप प्राइस देख रहे हो तो आप यू कैन गो काके का होटल, बट भापे का होटल इज़ गुड इन टेस्ट ऑल्सो। तो कभी भी आप सीपी जाए तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप भापे दे होटल पे जाके चिकन करी ट्राई कर सकते हो। टेस्ट बहुत बढ़िया नहीं है, एवरेज है, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने इससे बेटर खाई हुई है। आई थिंक इससे बेटर अगर मैंने बात बोलूँ तो मैंने बहुत साल पहले राजेंद्र दा ढाबे पे खाई थी, वहाँ पर भी हम जाके ज़रूर वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे कि कैसा उसका खाना। तो अभी के लिए यही बताऊँगा मैं आपको कि 105 रुपये महंगा है भापे दे होटल, थोड़ा सा प्राइस एक्स्ट्रा है, आप वहाँ जाके साग मीट और चिकन करी ट्राई कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए कि बेस्ट चिकन करी और साग मीट हमारे को कहाँ मिल सकता है दिल्ली में। इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं हम आपको नई जगह नए टेस्ट के साथ। एक अब नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ वो मैं एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट पर जाऊँगा और वहाँ पर फूड कंपेरिजन करेंगे। राइट, तो चलते हैं, नई वीडियो में मिलेंगे।